तो हेलो दोस्तों, स्वागत कीजिए वापस से एक नए वीडियो में। आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं मलेशिया सिंगल एंट्री वीज़ा के बारे में और मल्टीपल वीज़ा एंट्री के बारे में। तो ये दोनों वीज़ा के बारे में बता रहे हैं कि दोनों वीज़ा का अंतर क्या होता है और इस वीज़ा से आप लोग क्या क्या कर सकते हो मलेशिया के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को प्रॉपर हम बता देंगे कि मलेशिया में अगर सिंगल एंट्री वीज़ा से आते हो इसका मतलब क्या होता है, चाहे किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, सिंगल एंट्री वीज़ा है उसका मतलब क्या होता है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है इसके मतलब। दोस्तों, कोविड के बाद, कोरोना के बाद फिर से सभी देशों के वीज़ा लगना स्टार्ट हो चुका है और सब लोग जाना सभी देशों में स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोगों को प्रॉपर जाना जरूरी है कि अगर आप लोग किसी देश में सिंगल एंट्री के वीज़ा से जाते हो तो आप लोग उसका क्या रूल है, अगर आप लोग मल्टीपल वीज़ा से जाते हो तो उसका क्या रूल है, उस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताना है। और साथ में ये भी चीज़ बताना है कि उस वीज़ा को कितना फी लगेगा, सारा कुछ आप लोग इस वीडियो में बताएंगे कि वो वीज़ा कैसे अप्लाई आप लोग करना है, उस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोग किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग को पासपोर्ट पर आपका 6 मंथ का वैलिडिटी रहना चाहिए पासपोर्ट का, तभी आप लोग किसी भी देश का आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में आपका पासपोर्ट का 2 पेज खाली रहना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रहना चाहिए, मिनिमम आपका 1 लाख रुपया स्टेटमेंट रहना चाहिए, इंडिया रुपया 1 लाख रुपया आपको बैंक अकाउंट पर रहना चाहिए, तभी आप लोग किसी भी देश का कोई भी टाइप का वीज़ा ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा पर लेना चाहते हो, विजिट वीज़ा लेना चाहते हो, सिंगल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हो, मल्टीपल वीज़ा लेना चाहते हो, ये सब चीज़ आप लोग लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग को बैंक में 1 लाख रुपया तक लेना चाहिए। बेसिकली आपको इमिग्रेशन में ये चीज़ चेक नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये लोग चेक कर देते हैं, तो प्रॉपर आपको 1 लाख रुपया भी अमाउंट दिखाना जरूरी होता है आपके वीज़ा को लेने के टाइम में, यहाँ पे आने के लिए किसी भी देश के अंदर में ट्रेवल करने के लिए ये सब चीज़ जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा का अंतर क्या होता है। तो जो सिंगल एंट्री जो दोस्तों वीज़ा होता है, ये वीज़ा पर्टिकुलर किसी देश का सिंगल एंट्री, मतलब एक बार उससे आप लोग एंट्री कर सकते हो, जितना दिन का वैलिडिटी रहेगा आप लोग एक ही बार, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया के वीज़ा के बारे में, सिंगल एंट्री के वीज़ा में, तो आप लोग इंडिया से क्या करोगे, एक ही बार मलेशिया में आओगे। ठीक है, मलेशिया से फिर चाहोगे कि आप लोग वापस इंडिया जाए उसी डेट के अंदर में, फिर से चाहें कि अगर मलेशिया जाए तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग मात्र एक ही बार उससे ट्रेवल कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर मलेशिया में अगर 48 घंटा रुको या पूरा जितना दिन आपका वैलिडिटी रहे उतना दिन रुको, लेकिन आपको एक ही बार उससे ट्रेवल करने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग उससे बार बार कर सकते हो ये जो सिंगल एंट्री वीज़ा है इससे। और बात करें नंबर दूसरा का नंबर वीज़ा के बाद में, जो मल्टीपल वीज़ा एंट्री है, मल्टीपल वीज़ा एंट्री का मतलब होता है कि आप लोग का डेट जितना दिन वैलिडिटी है वीज़ा का उतना दिन के अंदर में आप लोग कितना दिन भी ट्रेवल कर सकते हो। आप लोग मतलब मैक्सिमम आपको 30 दिन ही रहना पड़ेगा अगर आपका 6 मंथ का वीज़ा का वैलिडिटी है। ठीक है, 6 मंथ का वीज़ा का वैलिडिटी है आपका मल्टीपल वीज़ा का, लेकिन आप चाहते हो कि 6 मंथ हम कंटिन्यू रह जाए तो आपको ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप लोग आकर उस देश में, अगर हम मलेशिया देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग अगर इंडिया से आते हो मलेशिया में तो आप लोग 30 दिन रुको, फिर 30 दिन से अगर आप लोग वापस जाओ इंडिया, फिर आप लोग वापस से फिर मलेशिया आ सकते हो। ऐसे आप लोग कई बार कर सकते हो, लेकिन आपको लास्ट मैक्सिमम जो है 30 दिन आप लोगों को रुकने को अलाउ करता है गवर्नमेंट, जो मलेशिया गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा दिन अलाउड नहीं करता है, ये मल्टीपल वीज़ा पे भी मलेशिया गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। तो एक छोटा सा वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हम दे दिए हैं कि मल्टीपल वीज़ा और सिंगल एंट्री वीज़ा का अंतर क्या होता है। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।